Thank you.
जाके कहती थी, पिछड़ जाती थी, बोलो कि पिछड़ करती, सुनो पिछड़ जाती। Thank you.
Thank you.
Ha!
I
मन से रियाज होता था जिनके कुछ पल मुझे याद आ गए, किसी समय में उनकी तरफ देख के रुक जाती थी। एक लास्ट वाला पल बताते हुए जो उसके जीवन में हुआ, जो घटना थी, जो कथा थी, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर आपको मुग्धा दिखानी है तो आपको मुग्धा भाव दिखाना चाहिए। मुग्धा अवस्था से जो हर लड़की गुजरती है उसमें उसके मन में कैसे आता है ना, वो उसे अच्छा लगता है कोई उसे देखे, छुए, या मतलब अपने ही धुन में है। उसका बाल्य अभी तक गया नहीं है, यौवन तो आ चुका है जो वो समझे नहीं है। तो ये मुग्धावस्था उन्होंने जिस तरह से दिखाई थी, इवन बिफोर द एक्चुअल टेक्स्ट या पोएम बिगिंस, ये समस्या पूर्ति है। एक कवि ने भरे दरबार में पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि वो सुंदर हाथ क्यों जला होगा। तो दूसरे शिखर कवि ने उत्तर देते हुए कहा कि एक मुग्धा नायिका थी जिसे शयनगृह में भेजा गया था और उसे पता नहीं चल रहा था कि इस यहाँ उसका क्या काम है। उसके पति के साथ उसका माता भी वो नहीं समझ पा रही थी और ऐसा हुआ कि कुछ आवाज़ सुनकर वो डर गई और सामने जो सहारा था उसने अपने पति को आलिंगन दे दिया। पति को लगा कि इसे समझ आ गई शायद, तो दोनों की जो झक झोरन हुई उसमें उसे लगा कि उसका वस्त्र शायद छूट रहा है। तो एक ही रास्ता था उसके पास, उसने जाके दिया बुझा दिया और इससे उसका वह सुंदर हाथ जला। ये था उसका उत्तर, बहुत सुंदर का। ऐसे ही ये बहुत सुंदर है जो रोहिणी जी ने किया है। किसी भी कविता को लेकर वो अपना इंटरप्रिटेशन करती थी, या तो शुरू में दोहा होता
जिससे प्रस्तावना हो जाती या फिर एंड में जो कहा गया है, जो कहा है कवि ने, वो भी शायद बदल के अपने मन से जिस तरह से उसको ट्रीट करना चाहती थी वो करती थी। इसमें उन्होंने ऐसे किया है कि उन्होंने मुग्धा भाव दिखाया है। ये मुग्धा ऐसी है कि जो बहुत चंचल है और वो किसी भरी हुई नदी की तरह या फिर पूर्णिमा के चांद की तरह या फिर खिले हुए कमल की तरह अपने सौंदर्य और यौवन से भरपूर नहीं है, तो एक नाजुक सी कली है जिससे अभी तक पूरा गंध नहीं आ रहा है, तो भौरे कहीं और जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने शुरू में जो दिखाया है वो बहुत सुंदर है, वो कह सकते हैं उनका नृत्य काव्य है। और बाल्य का सूरज अब तक डूबा नहीं है और यौवन का चांद तो खिल गया है, तो ये मुग्धा है उनकी। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनकी ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने ये चुना है करने के लिए।
I'm not afraid to die.
मैं आपको इसका जिस्ट बताती हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि
मैंने इसलिए गद्दाओं का उपयोग किया है जो कथक डांसर्स का अपना हक का होता है। तो अलग अलग करेक्टर्स करने के लिए मुझे लगा कि मैं अलग अलग ठेके ले लूँ, लेकिन फॉर्म तो गद्दाओं का है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसे प्रसन्न कहो, कथक का एक पहलू जो है पहले से उस तरह से इसे प्रसन्न कहो। तो ये एक सच कहानी है जो महाराष्ट्र में भूकंप हुआ था। जैसे जब भी कोई नैसर्गिक आपत्ति आती है हम सब हिल जाते हैं। पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, मुझसे वो संभली नहीं जा रही थी और उसका कुछ समाधान होना मेरे लिए आवश्यक था। हम लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा के तौर पे एक नृत्य रचना ही उनको अर्पित करते थे, तो वही समय था। तो मैंने कोशिश की, शुरू में लगा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा थोड़ा बहुत दो दिन पहले, उन्होंने कहा तो यही करना है। तो ये हुआ था कि भूकंप एक पूर्णिमा की सुबह हुआ था, पूरा चांद था और अर्ली मॉर्निंग। एक मिनट में भूकंप हुआ और 10-15 हज़ार लोग चले गए। तो मुझे कुछ करना था तो पता नहीं चल रहा था क्या करूं। तो फिर लगा कि किसी एक व्यक्ति के आँखों से मैं प्रसंग से गुजरूंगी। तो ये प्रौढ़ा नायिका है, मैं मुग्धा के बाद प्रौढ़ा नायिका करने जा रही हूँ, लेकिन ये अपने जीवन में स्वस्थ है, खुश है। वो एक मंदिर में गई है कीर्तन सुनने, और कीर्तनकार कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें जो लग रहा है कि तुम अपने सारे आप्तों को मार देने वाले हो, ऐसा नहीं है, ये सारे मुझमें से ही उपजे हैं और मुझ ही में विलीन हो जाएंगे, तुम इसका श्रेय नहीं ले सकते, तुम उठो और तुम्हें लड़ना है। मनुष्य जीवन ऐसा है कि जैसे पानी, जब पवन चलती है तो पानी में तरंग उठते हैं, जैसे ही पवन का स्फुरन बंद हो जाए वैसे ही पानी एकदम सा शांत हो जाता है। तो ये सुनकर वो घर जाती है तो उसे लगता है कि मैं कैसे समझूं कि जो मैं सारा देख रही हूँ वो मिथ्या है, माया है। ये समझना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जो देख रही थी उसे लग रहा था ये मैं देख रही हूँ, लेकिन ना मुझे समझना चाहिए कि ये माया है जो मैं स्पर्श कर रही हूँ। जो भी ये सोचते वो घर जाती है, घर में उसके सारे जो लोग हैं उन्हें देखती है, संतुष्ट है बहुत, और भगवान से कहती है कि धन्यवाद आपने मुझे इस तरह का जीवन दिया है। और सुबह बहुत अभी भी अंधेरा है तो उसे सुनाई देता है कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उठकर उसे उस औरत को मदद करने के लिए जाती है और उस बच्चे को संभालते हुए वो सारा भूकंप हो जाता है। तो उसे लगता है कि अगर मेरे इतने लंबे आयु की, मेरे सफ़ेद बालों की, ये एक उसकी अंतिम रिजल्ट है, तो फिर क्यों दिया है जीवन इस, अभी ये बच्चे का जीवन शुरू हो रहा है जिसे वो बचा नहीं है, तो ये क्यों दिया है जीवन, इसका मतलब क्या है, क्यों ये अगर माया है तो छोड़ दो, क्यों कर, क्यों चाहिए जीवन, तो इसका नाम है क्यों। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ क्यों। Thank you.
जैसे पवन तो यह लविले आणि तरंगाकार झाले तेजी वायु से हुरण अठेले तेजी वायु से हुरण अठेले आणि उदक सहज सपाटले आणि उदक सहज सपाटले Thank you.
मैं ये कह
जो मिशन है रोनी जी का वो भी समय है। करीब करीब घड़ी के गुलाम हो जाते हैं। कभी समय वाइंडिंग लगता है,
कभी मोमेंट्स जैसा लगता है तो एक आध कड़ी जैसा लगता है, कभी नाचने के लिए इंस्पायर करता है। समय के ही उधर से जन्म लेते हैं सुर ताल और मूवमेंट्स। तो सुर आ रहे हैं, एक दूसरे से मिलके नगमा बना रहे हैं और टाइम से निकले बीट के साथ संगीत हो रहा है। इस तरह के एक एक जैसे कि टाइम अपने फुटस्टेप्स छोड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर्स। तो अलग अलग युग में बने स्कल्पचर्स सिर्फ उसके उसकी साक्ष्य देते हैं कि वहाँ से टाइम गुजर के आगे निकल गया है। कभी टाइम समय आपको खिंचाता है, कभी सताता है, कभी डराता है, कभी टाइम ओनली हील्स। तो कैसा है टाइम? तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि केवल एक साक्षी अनादि से अनंत तक है। हम उसका उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो तो है ही, थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको उसकी आहट चल जाती है। तो गुरु जी का बहुत सुंदर डाले है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले मैं जो बाकी मेरी शिष्याएं हैं, अब आसावरी से तो मिल चुके हैं, आइए नेहा, राधिका, वो जब अपना नृत्य पेश करती हैं तो ना खुद को रियायत देती हैं ना दर्शकों को। हम वो सब तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना उनका दिखाना है हमें के बारे हमने कर दिया है। सो ये अंतिम
मित्रों, इसके साथ ही कथक प्रसंग का समापन होता है। आप सब